इस सरकार के 10 सवाल हैं 10 महीने के कांग्रेस पार्टी के। मोहन भैया, आपने जनता का वोट मिला था शिवराज जी के नाम पे, आपको मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाया, जनता ने नहीं बनाया, पर शिवराज जी ने जब वोट लिया तो उन्होंने एक वचन पत्र दिया था जनता के सामने, उसमें कहा था मैं 3,000 बहनों को हर महीने 5,000 तक देंगे, अभी बीच में बोले थे 450 के गैस सिलेंडर का क्या हुआ। आपने किसानों को कहा था 2700 के गेहूं के दाम देंगे, आपने किसानों को कहा था 3100 धान के दाम देंगे। ये दूसरा सवाल, क्या हुआ इसका? रोजगार के आंकड़े आप बार बार कहते थे कि हम इतने रोजगार देंगे, क्या उपाय किया है कि रोजगार मिले? सिर्फ धार्मिक प्रवचन दिए, एक कृष्ण वहाँ है और एक मोहन यहाँ है, भगवान से आपकी तुलना करते हो, आपको शर्म नहीं आती? अब मोहन यादव जी, चौथा सवाल, प्रदेश में खाद की कमी है, खाद नहीं दे पाए, यूक्रेन का युद्ध उसके लिए जिम्मेदार, पापा जब युद्ध रुकवा सकते हैं तो खाद भी नहीं मंगवा सकते? मोहन भैया, पांचवा सवाल, STSC के 1,00,000 के पदों का क्या हुआ, PSC की एग्जाम का क्या हुआ, उनकी छात्रवृत्ति का क्या हुआ, 10 महीने में क्या किया आपने? 36वां सवाल, 33 योजनाएं बंद क्यों की और उन पे पैसे का अलॉटमेंट क्यों रोका? क्या कारण है कि आपने 33 योजनाएं जो शिवराज सिंह चौहान के समय पे चल रही थी, शिवराज जी ने चालू की थी, उन पे रोक क्यों लगाई? इसके लिए उत्तरदायी क्या है? क्या आपका बजट आपको परमिट नहीं करता है? तो अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार बोल रहे हैं आपके नेता देश में, प्रदेश में और विधानसभा में, वो इंजन का क्या ढासलेट से चल रहा है कि आप उसको बता ही नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है? आपको बताना पड़ेगा कि जब कांग्रेस पार्टी बेटी बचाओ अभियान चला रही है, सातवां सवाल, तो सरकार मौन क्यों है? नौवां सवाल, अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षक जिनको आप नियमित कर रहे थे उसका क्या हुआ और कब करोगे? आखिरी दसवां सवाल, आदिवासी STSC वर्ग पर अत्याचार अनाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 क्यों? क्या कर रही है आपकी सरकार, आपकी पुलिस, आपका प्रशासन? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।